अमृतांजन का शेयर आज 6% से ज्यादा गिर गया, क्या मुझे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? चलिए देखते हैं। अमृतांजन एक टेक्निकली एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। इसके लॉन्ग टर्म के मंथली चार्ट को देखें तो ये हमेशा ऊपर ही जाता है और अभी के टाइम में ये अपने मूविंग एवरेज को टच करने वाला है जो कि है 610 और 615 के बीच में। इसके RSI को देखें तो ये अभी 45.80 के आसपास घूम रहा है और जल्द ही 40 टच करेगा या उससे नीचे जाएगा। इसके MACD को देखें तो ये भी 63.56 के आसपास है और देखने से ऐसा लगता है कि कुछ दिन और गिरेगा। इसके प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है, FII एंड DII ने भी अपनी होल्डिंग बना के रखी है और पब्लिक ने भी इसमें अपनी होल्डिंग बना के रखी है। इसकी बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स बड़े हैं, बोरोइंग्स स्टेबल है और फिक्स्ड एसेट बड़े हैं, मींस 3 out of 3। प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR सब कुछ डबल डिजिट में है जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मीडियन अगर देखें तो ये अभी अंडर वैल्यू में नहीं है, मीडियम से नीचे नहीं है, मीडियम से ऊपर ही है, तो हम वैसे भी इसमें बाइंग के लिए वेट करने वाले हैं। तब तक ये हो सकता है मीडियम से नीचे चला जाए। इसका ROE भी बहुत अच्छा है, डेट नहीं है और प्रमोटर्स ने कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं कर रखी है। इनके पास फ्री कैश फ्लो भी है तो फंडामेंटली तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर दिख रहा है। तो इसके गिरने का रीजन क्या है? इसके गिरने का रीजन है इसका रिजल्ट। ये इसका एनुअल प्रॉफिट चार्ट है और जैसा कि आप देख रहे हैं सितंबर 2022 तक इसने 51.71 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है जो कि पिछले साल से अभी तक तो बहुत कम है। अभी इसमें 2 quarters ऐड होना बाकी है, लेकिन अगर हम इसका क्वार्टरली चार्ट देखें तो हमको पता चलता है कि इसके जो पहले 2 quarters हैं इस साल के वो ऑलरेडी बहुत ही खराब आए हैं जिसकी वजह से पब्लिक में पैनिक है और वो इसे सेल कर रही है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा शेयर है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी इसमें होल्डिंग है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो 610-615 के बीच में आप इसमें पहला इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 450 के आसपास। अपने इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।